कहां से आ रही है सवारी? यहां एक बंदा चाय पीने के लिए तरस गया। तुझे सिर्फ अपनी चाय की पड़ी रहती है, घर में क्या चल रहा है उसे तुझे कोई लेना देना नहीं है। गए कहां थे तुम लोग बता भाई? अमृत, क्या ये? ये जैसे के लिए बाबा जी से तावीज लेने गए थे, जैसी को पहनाना है। ये क्या धक्केनी उसी बातें कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुम लोगों को? तू चुप रह, उस पर किसी का साया है। अरे हंसती खेलती हमारी बच्ची सारी खुशियां छीन गई है उसकी। अगर इसको पहनने से तकलीफें दूर हो जाती ना, तो एक मेरे गले में भी पहना दो, तुम दोनों की तकलीफें दूर हो जाएगी। ये सब तेरी वजह से हुआ है, वो नौकरी वो सीओ पीओ का चक्कर तेरा ही चलाया हुआ है। हाँ जी, और देख लीजिए जैसी ऑफिसर बने या ना बने, हमें तो सिर्फ उसकी खुशी चाहिए। इसको पहनने से वो हंसती खेलती घूमेगी ना। अरे ये सीओ बीओ बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दो तीन दिन की बात है, वो सब कुछ भूल जाएगी। नहीं पापा जी, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी पापा जी। देख बेटा, जो चीजें सपनों में बहुत अच्छी लगती है बेटा, उनको अगर पास से देखो ना। पापा जी, ये मेरा सपना नहीं है, ये सच्चाई है। सारे वोट से मेरे फेवर में हुए। यानी कि तू सीईओ बन गई। देखा अमृत, तूने जब घर में अपने बाबा जी हैं तो फिर देखो बेटा गुलमोहर, हमारी पहली बिल्डिंग जिसे टेक्सटाइल मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था। आप कितने यंग लग रहे हैं ना, बिल्कुल मेरी थी। सिर्फ ऑफिस की इमारत का फर्क है। हाँ बेटा, फर्क तो ऑफिस का ही है, मेरे टाइम में ये जमीन पे था और अब तुम्हारे पीछे आसमान भी छोटी इमारत है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई नो बेटा, अरमान मैंने अपना वोट जस्सी को इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मुझे लगा कि वो एक अच्छी सीईओ नहीं बनी, बल्कि इसलिए कि मुझे डर था अपने बेटे के लिए। उस वक्त मैं अपनी कंपनी का नहीं, अपने खानदान का सोच रहा था। लेकिन शायद तुम्हारी सोच ज्यादा ठीक है, शायद जस्सी गुलमोहर की बेहतर सीईओ बन के दिखाएगी। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है डैड? हाँ बेटा, इस प्रॉब्लम से गुलमोहर को जस्सी ही निकाल सकती है। She's good. She's very good. लेकिन डर तो इस बात का है बेटा कि जस्सी गुलमोहर को कामयाब कंपनी तो बना देगी, लेकिन 6 महीने बाद उसे सीईओ के पोजीशन से हटाओगे कैसे? अगर जस्सी इतनी टैलेंटेड है तो वो हमेशा के लिए सीईओ बन सकती है, हमेशा के लिए। ये लड़की नई सफर पे चल पड़ी है, कदम छोटे छोटे पर राह बड़ी है, पर छूना है एक बड़े आसमां को, कुछ करके है दिखाना अब सारे जहां को। उम्मीद है इससे अब तो सभी को, ये गम से चुरा के लाएगी खुशी को। जैसी जैसी कोई नहीं, तुम्हें
मेरे डिसीजंस पर भी भरोसा करके दिखाइए ना अरमान सर, आपसे बेहतर चला सकती हूँ मैं गुलमोहर को, तो बना दीजिए मुझे सीईओ और देख लीजिए अरमान सर, वरना मैं इस कंपनी से रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ। 6 महीने के बाद या तो गुलमोहर के लोन चुका दिए जाएंगे और जस्सी और गुलमोहर अपनी अपनी जगह पर वापस हो गए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जस्सी हमें गुलमोहर और कोहिनूर दोनों को हैंड ओवर करके चली जाएगी। इसमें चाहे हार हो या जीत, हमारी सिर्फ जीत होगी। शायद जस्सी गुलमोहर की बेहतर सीईओ बनके दिखाई। डर तो इस बात का है बेटा कि जस्सी गुलमोहर को कामयाब कंपनी तो बना देगी, लेकिन 6 महीने बाद उसे सीईओ के पोजीशन से हटाओगे कैसे, किस बिना पे? इसकी दीवारें, ये सब ना जाने कितने दिनों से ये मेरे साथ मेरे हमसफर रहे हैं, मेरी हर छोटी छोटी बातों में मेरे साथ रहे, मेरी खुशियों में खुश होते रहे और मेरी परेशानियों में परेशान। जब कभी मैंने अपने आप को कमज़ोर पाया तो इसी कमरे ने मुझे हिम्मत दिलाई, मेरा हौसला बढ़ाया, और अगर कभी मैं भूले से अपने रास्ते से भटकने लगती तो मुझे सही रास्ते का इशारा करने वाला भी तो। और आज मैं इन्हें छोड़कर जा रही हूं। तुम्हारा पहला दिन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। और हाँ, एक और बात, धीरे धीरे तुम्हारे आसपास सब कुछ बदल जाएगा, मगर तुम्हारे जो अंदर है ना उसे मत पसंद देना, उसे कभी मत भूलना। मैं नहीं भूलूंगी, मैं अपने अंदर के जस्सी को कभी नहीं भूलूंगी। शाबाश जस्सी। गुड मॉर्निंग सर। थैंक गॉड तुमने मुझे सर तो कहा। जी ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं जस्सी, मुझे लगा कि शायद सीईओ बनने के बाद तुम बहुत बदल गई। शायद इसीलिए उस प्यून ने मुझसे आकर कहा कि जस्सी मैडम ने आपको। उसने आपसे ऐसा कहा? क्यों? तुमने मुझे नहीं बुलाया? नहीं, मैंने तो आपको नहीं बुलाया था सर। एक्चुअली मैंने प्यून से जाके कहा था कि आप जैसे ही ऑफिस में आए तो मुझे आके बता दें, लेकिन वो सीधा आप ही के पास आ गए। एनीवेज जैसी, मुझे खुशी है इस बात की तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो, बिल्कुल नहीं। तो कुछ काम था या मैं जाऊं? काम तो चलो। सर आपने मिस्टर राजपाल को कहा कि सप्लायर से जाके सिल्क फैब्रिक ले? हाँ कहा तो था, क्यों? वो तो मुंबई से खरीदने की बात कर रहा है। मैंने उसे कहा था कि तुलानी मिल से सिल्क लेके। मैंने उसे मना कर दिया। एक्चुअली सर मुंबई से सिल्क लेने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए मैंने मिस्टर राजपाल से कहा है कि वो मैसूर जाएं, कोई अच्छी सी मिल ढूंढे और वहाँ से सिल्क ले आए। इनफैक्ट ये जो तुलानी वाले हैं ना, वो लोग भी खुद अपना सिल्क ही बनाते हैं, वो लोग भी मैसूर से ही मंगवाते हैं सर, इसलिए मैंने मिस्टर राजपाल से कह दिया कि वो वहाँ से ही मंगवाएं, कंसाइनमेंट में हमारे एजेंट की कमीशन भी बचेगी। डर तो इस बात का है बेटा कि जस्सी गुलमोहर को कामयाब कंपनी तो बना देगी, लेकिन 6 महीने बाद उसे सीईओ के पोजीशन से हटाओगे कैसे? बस जैसे जी जैसे अगर तुम्हें मेरा कोई भी डिसीजन गलत लगता है ना, तो तुम उसे मुझसे बिना पूछे रिजन कर सकती हो। आफ्टर ऑल गुलमोहर की नई सीईओ जो एक्सक्यूज मी सर।
आज तक किसी ने मेरे फैसलों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की थी, और आज तुमने ऐसा करके ठीक नहीं किया जैसी। लेकिन मैं तुम्हारे इस अंदाज को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करने वाला। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी हैसियत का, तुम्हारी औकात का एहसास दिला दूंगा। जैसी सीईओ तो तुम बन गई, लेकिन मुझ पे हुकूमत नहीं कर पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, कभी नहीं। की क्या जरूरत थी, कैबिन तो है ही ना मेरे पास। अच्छा, वो काल कोठरी जिसमें मक्खी और मच्छर भी घर बनाने से मना कर देते। हाँ, कैबिन चाहे जैसा भी हो, काम अच्छा होना चाहिए। अरे यहाँ तेरा काम भी अच्छा होगा और स्टाइल भी बनी रहेगी। देख, मैं ना तेरे लिए दो कप लेकर आई हूँ। इस कप में तू तब चाय पीना जब तू सचमुच थकी हो, और इस कप में तू तब चाय पीना जब किसी शूशा हैंडसम क्लाइंट के साथ तेरी मीटिंग हो। थोड़ा स्टाइल मार के पीना, माय गॉड। और ये मेरी तरफ से टैंटेड एंड ये घंटी तुम जब भी बजाओगी ना, समझना कि मेरी घंटी बज गई। ये घंटी बजते ही मैं दौड़ते हुए तुम्हारे पास चलाऊंगा जैसी, ये तुम्हारे लिए। मैं तो तेरे लिए कुछ लाई नहीं, कंफ्यूज हो गई थी। अफॉर्मेटली तुम लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ सोचा है, मेरे लिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। लेकिन मैंने तो मैं कुछ नहीं जैसी। और क्या, हमारी गैंग में से पहली बार किसी मेंबर को इतना बड़ा पोस्ट मिला है। जैसी अब तू गुलमोहर की रानी है, और ये तेरा महल। क्या सोच रहे हो पालिका? किसकी सोच में इतना डूबे हुए हो कि मुझसे हेलो कहना भी भूल गए? हाय डार्लिंग, तुम्हें कैसे भूल गई? अरमान, बेईमान वजन की एक तो पहचान होती है कि पहले भूल जाते हैं, फिर उसके बाद हाय डार्लिंग, हेलो डार्लिंग ऐसा ही कहते हैं। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है? मालिका, मैं सुरक्षित रंगुलों के बारे में सोच रहा हूँ। उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, वो मामला पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है। शीतल को हमारे कॉलेज के दिन अच्छी तरह से याद है, और मैं रोज उससे मिलती हूँ। ग्रेट मालिका, इसका मतलब हमें उसकी शादी का कॉन्ट्रैक्ट शायद हो सकता है, लेकिन अब तक कुछ फाइनलाइज हुआ नहीं है। मैं उसके साथ कल इंडिया वापस आ रही हूँ, तब ही आके कुछ फाइनलाइज हो सकता है। ग्रेट मालिका, आई लव यू। ओके, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि तुम काम की वजह से ही मुझे प्यार करते हो? Just kidding, अरमान। अब कल मिलते हैं। Okay. Bye. I love you. I love you. लेकिन जब मलिका को पता चलेगा कि जैसी सीईओ बन गई है तो क्या होगा? मुझे किसी भी तरीके से जैसी को सीईओ की पोजीशन से हटाना है। जैसी को कामयाब नहीं होना किसी की मेहनत। हाँ जी, आई। अमृत, ये बादाम है। रोज सुबह 10 बादाम भिगो करके जैसी को खिलाना, दिमाग का काम करती है वो, उसके दिमाग को थोड़ी सी तरावट मिलेगी। जी। और सुनो, ये शाम को लौकी फौकी मत बनाना है? बेटी सी हो गई है, कुछ अच्छा खाना बनाना। अब ये घास फूस खाते खाते मन उब गया है। जी अच्छा, जा तैयारी करो, चलो। पापा जी। अरे मेरा बेटा, हेलो सीओ। क्या बात है बेटा, तू जल्दी आ गई है? रोज के देखे कहीं काम चोरी तो शुरू नहीं कर दी सीओ बनते ही? अरे नहीं, मैंने उनको बोल दिया कि ऑफिस आज में टी ब्रेक्स कम करें, और ऑफिस की छुट्टी के बाद अपनी सारी बातें। शाबाश। और बेटा, इसी जोश से काम करना। बस एक बहुत बड़ा काम करने की सोच रही हूँ, सब ठीक हो जाए। क्या काम? पापा, शीतल अंबुजा का वेडिंग कलेक्शन, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट गुलमोहर को मिल जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
शीतल अंबुजा यानी कि लक्ष्मी अंबुजा की बेटी? हाँ भाई। अरे बेटा वो तो एशिया के बहुत बड़े लोगों में से एक है। अच्छा तू मतलब गुलमोहर उसके कपड़े बनेगा? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अरे पापा जी अभी हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला का, पहले तो प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। अरे तो नहीं मिलेगा, तेरे सामने खड़ा कौन हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ ना। नहीं अगर कोई और अच्छी प्रेजेंटेशन ना दे तो। सवाल ही नहीं उठता बेटा। अब तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के लाता हूँ। सीईओ के लिए चाय बनाने में मुझे कोई शर्म नहीं। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। परी से मिल के आ रहा है? परी से भी अच्छी और क्लासी लड़की से मिल के आ रहा हूँ। कौन है कोई? जस्सी सोचना आज का दिन कितना अच्छा है। देख आज पहली बार तो सीईओ बन के ऑफिस गई और हमारी कंपनी 3D को उसका पहला ऑर्डर मिला है। वाओ कांग्रेचुलेशंस। क्या ऑर्डर क्या है जस्सी? वो ऐसी लड़की है अगर उसकी फोन पे आवाज सुन लो तो दिल मचल उठे, पर अफसोस वो किसी और से शादी कर रही है। ओफो नंदू, सीधे सीधे बताना कौन है और जैसी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो मेरी पार्टी पक्की। बेवकूफ, पार्टी नहीं पार्टा। इतना बड़ा ऑर्डर है कि हमारी कंपनी 3D से 30T हो जाएगी। अरे बताना ऑर्डर है किसका? शीतल अंबुजा। उसकी वेडिंग कलेक्शन की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम लोग।